नमस्कार, आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण समसामयिकी। अपने गृह राज्य लौटे प्रवासी श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार ने उनके जिले में ही रोजगार देने की नई योजना तैयार कर ली है। प्रधानमंत्री 20 जून को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे। बिहार राज्य समेत 6 राज्यों के 116 जिलों में लौटे प्रवासी श्रमिकों को 125 दिनों का काम दिया जाएगा। यह अभियान बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के तेलीहर गांव से शुरू किया जाएगा। इस योजना के तहत 25,000 से ज्यादा लौटे श्रमिकों वाले जिलों का चयन किया गया है। सरकार के अनुसार बिहार के 32, उत्तर प्रदेश के 31, मध्य प्रदेश के 24, राजस्थान के 22, ओडिशा के 4 तथा झारखंड के 3 जिलों में यह योजना काम करेगी। प्रश्न, विश्व एथनिक दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 19 जून। प्रश्न, विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 19 जून। प्रश्न, हाल ही में फुटबॉल टूर्नामेंट कोपा इटालियन कप किसने जीती? सही उत्तर है क्लब नेपोली। प्रश्न, अपने गृह राज्य लौटे प्रवासी श्रमिकों के लिए उनके जिले में ही रोजगार देने हेतु किस नई योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री करेंगे? सही उत्तर है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। प्रश्न, गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत बिहार के किस गांव से किया जाएगा? सही उत्तर है खगड़िया जिले के तेलीहर गांव। प्रश्न, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत अपने जिले में लौटे प्रवासी श्रमिकों को कितने दिनों का काम दिया जाएगा? सही उत्तर है 125 दिन। प्रश्न, अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन वर्ष 2021 में कहां किया जाएगा? सही उत्तर है भारत। प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 12 मई। प्रश्न, भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष का पद किसे दिया गया है? सही उत्तर है दीपा मलिक। प्रश्न, ऑनलाइन नेशंस कप किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर है शतरंज। प्रश्न, हाल ही में खेले गए ऑनलाइन नेशंस कप में भारत का स्थान कौन सा रहा? सही उत्तर है 5वां। प्रश्न, केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा वंदे भारत मिशन चलाया जा रहा है? सही उत्तर है विदेश मंत्रालय। प्रश्न, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपने वेतन में कितने प्रतिशत कटौती करने की घोषणा किया गया है? सही उत्तर है 30%। प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 15 मई। प्रश्न, प्रख्यात आलोचक नंदकिशोर नवल, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? सही उत्तर है हिंदी साहित्य। प्रश्न, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? सही उत्तर है 20,000 करोड़ रुपए। प्रश्न, हाल ही में किस देश ने भारत को 22 आतंकी सौंपे हैं? सही उत्तर है म्यांमार। प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है वी विद्यावती। प्रश्न, भारत में विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर कौन है? सही उत्तर है जुनैद अहमद। अंतर्राष्ट्रीय शांति और एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 16 मई। प्रश्न,
संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन हैं? सही उत्तर है तिजानी मोहम्मद बंदे। प्रश्न, वन स्टेट वन गेम्स के तहत कितने खेलों का चयन किया गया है? सही उत्तर है 14 खेल। प्रश्न, भारत को वर्ष 2028 के ओलंपिक खेलों के मेडल टैली में टॉप 10 में लाने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा वन स्टेट वन गेम्स की योजना तैयार किया गया है? सही उत्तर है खेल मंत्रालय। प्रश्न, एलाइजा टेस्ट किट किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? सही उत्तर है NIV पुणे। प्रश्न, एलाइजा टेस्ट किट का निर्माण किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया है? सही उत्तर है जायडस कैडिला। प्रश्न, हाल ही में वित्त मंत्री द्वारा कोयला क्षेत्र में कितने रुपया निवेश करने का ऐलान किया गया है? सही उत्तर है 50,000 करोड़ रुपया। प्रश्न, विश्व का कितना प्रतिशत कोयले का उत्पादन भारत में होता है? सही उत्तर है 4.7%। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चुनावों में निर्विरोध अस्थायी सदस्य चुन लिया गया है। अब भारत 2021-22 के लिए इस संस्था का अस्थायी सदस्य बन गया है। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुना गया है। पटना के डॉक्टर निखिल अग्रवाल को चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के कारण डेक्स्टर एस लेवी MD रेजिडेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क बफेलो की ओर से प्रदान किया गया है। प्रश्न, हाल ही में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अस्थायी सदस्य चुना गया है? सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। प्रश्न, भारत को अब तक कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के लिए चुना गया है? सही उत्तर है 8 बार। प्रश्न, भारत को किस वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुना गया है? सही उत्तर है 2021-2022। प्रश्न, किस देश को हाल ही में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है? सही उत्तर है भारत। प्रश्न, डेक्स्टर एस लेवी MD रेजिडेंट अवार्ड 2020 हाल ही में पटना के किस डॉक्टर को दिया गया है? सही उत्तर है डॉक्टर निखिल अग्रवाल। प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत तीनों सेना के 75 सदस्यीय दल को सैन्य परेड में भाग लेने हेतु कहां भेजेगा? सही उत्तर है मॉस्को, रूस। प्रश्न, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 8 मई। प्रश्न, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां है? सही उत्तर है जेनेवा। प्रश्न, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 8 मई। प्रश्न, भारतीय रेलवे इंस्टीट्यूट फॉर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहां स्थित है? सही उत्तर है जमालपुर। प्रश्न, सामान्य व्यक्ति के शरीर में लाल रक्त कण की उम्र क्या होती है? सही उत्तर है 120 दिन। प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया है? सही उत्तर है दिया मिर्जा। प्रश्न, हाल ही में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है DPS नेगी। प्रश्न, हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का शिशु मृत्यु दर क्या है? सही उत्तर है 32। प्रश्न, हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का शिशु मृत्यु दर कितना है? सही उत्तर है 32।
प्रश्न, अमेरिकी कंपनी विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने हाल ही में भारत की किस कंपनी में 2.32% हिस्सेदारी खरीदी है? सही उत्तर है रिलायंस जियो। प्रश्न, ईरान के नए मुद्रा का नाम क्या है? सही उत्तर है तोमन। प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र की डाक एजेंसी ने किस बीमारी के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? सही उत्तर है चेचक। प्रश्न, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय कहां है? सही उत्तर है बीजिंग चाइना। प्रश्न, किस देश के नौसेना अभ्यास के दौरान गलती से हुए प्रक्षेपास्त्र हमले में 19 सैनिक मारे गए? सही उत्तर है ईरान। संयुक्त राष्ट्र के व्यापार एवं विकास सम्मेलन की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत को वर्ष 2019 में 51 अरब डॉलर का विदेशी निवेश प्राप्त हुआ और वह इस वर्ष के दौरान दुनिया में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात FDI पाने वाले देशों में 9वें स्थान पर रहा है। प्रश्न, वर्ष 2019 के दौरान दुनिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात FDI प्राप्त करने में भारत का स्थान कौन सा रहा है? सही उत्तर है 9वां। प्रश्न, वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? सही उत्तर है सिंगापुर। प्रश्न, वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? सही उत्तर है 43वां। प्रश्न, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर है 17 जून। प्रश्न, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है अधीर रंजन चौधरी। प्रश्न, लोक लेखा समिति में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? सही उत्तर है 22, 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से। प्रश्न, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर है विपक्षी दल के राय से लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन कौन होंगे? सही उत्तर है श्रीकांत माधव वैद्य। प्रश्न, देश के किस राज्य द्वारा नागरिकों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा देने का घोषणा किया गया है? सही उत्तर है महाराष्ट्र। प्रश्न, किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है? सही उत्तर है केसर। प्रश्न, किस संस्थान द्वारा पराबैंगनी विसंक्रमण टावर का विकास किया गया है? सही उत्तर है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। प्रश्न, गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने विकासशील सदस्य देश शामिल हैं? सही उत्तर है 120। वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन के चेयरमैन कौन है? सही उत्तर है इल्हाम अलीएव। प्रश्न, गुट निरपेक्ष आंदोलन के वर्तमान चेयरमैन किस देश के राष्ट्रपति हैं? अज़रबैजान। प्रश्न, देश में बेरोजगारी दर के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? सही उत्तर है 4वां। प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार से कितना लाख लोग काम की तलाश में पलायन किया है? सही उत्तर है 22.6 लाख। प्रश्न, किन 3 भारतीय फोटोग्राफर को हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है? सही उत्तर है मुख्तार खान यानी आनंद तथा यासीन डार। प्रश्न, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने वर्ष 2020 के लिए कितने पुलित्जर पुरस्कार जीते? सही उत्तर है 3। प्रश्न,
हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अपना दूत के लिए नामित किया है? सही उत्तर है मनीषा सिंह। प्रश्न, हाल ही में विशाखापट्टनम स्थित किस प्लांट में गैस रिसाव की घटना हुई है? सही उत्तर है एलजी पॉलीमर्स लिमिटेड कंपनी। प्रश्न, हाल ही में एलजी पॉलीमर्स लिमिटेड कंपनी में किस गैस की रिसाव होने की दुर्घटना हुई है? सही उत्तर है स्टायरीन गैस। प्रश्न, कोरोना महामारी के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस मिशन की शुरुआत किया गया है? सही उत्तर है वंदे भारत मिशन। प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है तरुण बजाज। प्रश्न, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 7 मई। प्रश्न, किस देश के खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफा अल कादहेमी ने हाल ही में देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? सही उत्तर है इराक। तो इसी के साथ समसामयिकी का यह कार्यक्रम समाप्त होता है। धन्यवाद।